दोस्तों, क्या आपको पता है कि सांप जो कि जहरीला जानवर होता है, इन्हें भी कई दूसरे जानवरों से डर लगता है। कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो सांप के आगे हैं तो बिल्कुल छोटे, लेकिन पड़ते हैं इन पर भारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही जानवरों को देखेंगे जो सांपों के लिए बिल्कुल ही आफत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डेथ स्टॉक। धानी रंग और चमक वाले डेथ स्टॉकर बिच्छू मध्य उत्तरी अफ्रीका और साउथ एशिया में पाए जाते हैं। देखने में ये बिच्छू उतने जहरीले नहीं लगते, लेकिन इनके डंक से इंसान सीधे मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता है। इसका डंक तेज दर्द पैदा करता है और कुछ ही मिनटों के भीतर श्वसन तंत्र को धराशायी कर देता है। दिल के मरीज और एलर्जी के रोगी तो इसके डंक से तुरंत निढाल हो जाते हैं। नंबर 2, ईगल। ईगल को उसकी ताकत और उड़ान की ऊंचाई के वजह से हमेशा से ही पक्षियों का राजा माना गया है। कहा जाता है कि किसी भी चीज पर नजर रखनी हो तो चील जैसी नजर रखनी चाहिए। ऐसी तेज नजर चील के पास ही होती है, जिसकी मदद से वो ऊंचे आसमान में उड़ते हुए भी वो जमीन पर रेंग रहे सांप को हिलते ही देख लेती है और फिर बड़ी कुशलता से अपने पंजों से उसको अपना शिकार बना लेती है। उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देख लेती हैं और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देखने में सक्षम है। शिकार के समय बाज 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मार सकते हैं, जबकि इसकी नियमित उड़ान की रफ्तार 30 मील प्रति घंटा होती है। बाज एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो कि लगभग 6 किलो तक का वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाज पानी में भी तैर सकते हैं। एक बार जब वो पानी में उतर जाते हैं तो तब तक वो उड़ नहीं सकते जब तक वो पानी से बाहर ना आ जाएं। नंबर 3, हनी बैजर्स। हनी बैजर देखने में नेवला और भालू का मिला जुला रूप होता है। इसके शरीर का ऊपरी भाग सफेद और पेट एवं बगल का रंग काला होता है। इसके पूरे शरीर पर लंबे बाल और पैरों में लंबे नुकीले नाखून होते हैं। इसका शरीर रुएदार और खुरदुरा होता है। टांगे छोटी और मजबूत होती हैं। आंखें और कान छोटे होने पर भी देखने और सुनने की गजब की क्षमता होती है। हनी बैजर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मोस्ट फियरलेस क्रीचर के नाम से दर्ज किया गया है। ये बेहद खूंखार, निडर और बुद्धिमान और चालाक जीव होता है। ये जीव सब कुछ खा सकता है, फल, फूल, दीमक, छोटे जीव जंतु, खरगोश, चूहा, सांप, बिच्छू, यहां तक कि कब्र खोदकर मुर्दों को भी खा जाता है। इसकी बॉडी एंटी वीनम होने के साथ साथ खाल इसकी इतनी मोटी और सख्त होती है कि सांप के डसने और बिच्छू के डंक का कोई असर नहीं होता और उन्हें यह बड़ी आसानी से मारकर खा जाता है। नंबर 4, टाइनी बिटर। नाम सुन के तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे दोस्तों, लेकिन ये कोई और नहीं छछुंदर है। छछुंदर अपने आप से 50 गुना बड़े जीव को मारकर खा सकता है। इसे दुनिया का सबसे भूखा जीव भी कहा जाता है। खुदाई करने के लिए ये जीव अपने नाक का उपयोग करते हैं। उनके पास नली के समान नाक के बाहर की तरफ निकली हुई पतली उंगलियां होती हैं। वो अंधेरे में अपने घरों में जाने के लिए इन नाजुक उंगलियों का उपयोग करते हैं। अपनी आंखों से केवल रोशनी का अंदाजा लगाने वाले इन जीवों की सूंघने और स्पर्श करने की क्षमता बहुत खास समझी जाती है। भुक्खड़ या पेटू जीव के नाम से मशहूर छछुंदर प्रतिदिन अपने वजन के बराबर भोजन करते हैं। जितना इसका वजन होता है, ये उतना भोजन 3 घंटे में खा जाता है। छछुंदर इतना जहरीला जीव है कि इसे कोई और जीव नहीं खा सकते हैं। पूरी दुनिया में केवल उल्लू ही एक ऐसा जीव है जो इसे मारकर खा सकता है। छछुंदर के थूक में जहर होता है। ये इंसान को काट जाए तो उसे लकवा मार जाता है। वैसे इस जीव को भी सांप का दुश्मन माना जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली पर अगर छछुंदर आ जाए तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का भंडार आपके लिए खुलने वाला है। नंबर 5, मेंटिस। दोस्तों, इनके आकार पर मत जाइएगा। ये भले ही दिखते छोटे हैं, लेकिन असल में इन्हें किलिंग मशीन कहा जाता है। मेंटिस का शरीर छोटा और पतला होता है। इनकी रंग की बात करें तो ये भूरे, हरे या चमकदार गुलाबी किसी भी तरह के हो सकते हैं। मेंटिस हमेशा अपना शिकार जिंदा कीड़े मकोड़ों को बनाता है, जिन्हें ये अपनी कांटेदार मजबूत टांगों से पकड़ता है।
मेंटिस दुनिया का अकेला कीट है जो अपने सिर को किसी भी दिशा में घुमा सकता है, आगे पीछे ऊपर और नीचे। जब इन्हें शिकार को पकड़ने की आवश्यकता होती है तो ये अपने कांटेदार टांगों को जोड़ता है। इससे ऐसा शिकंजा बनाता है जिससे छूट पाना असंभव ही होता है। अपने शिकार के इंतजार में जब ये किसी टहनी पर बैठा रहता है तो देखने में ये जीव ऐसा लगता है कि मानो हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन नहीं, ये तो शिकार करने की फिराक में रहता है। दोस्तों, इनकी सबसे अलग बात ये होती है कि ये सांपों को भी शिकार बना लेते हैं, जो इन्हें बाकी छोटी प्रजाति से अलग बनाती है। दरअसल जब बात भोजन की आती है तो मेंटिस सांप पर अटैक करने से पीछे नहीं हटते। मेंटिस छोटे सांपों की प्रजाति पर हमला करने के लिए मशहूर होते हैं। ऐसा करने के लिए मेंटिस अपने पीछे की ही टांगों का इस्तेमाल करते हैं और छोटे सांपों पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। इस प्रक्रिया में अगर सांप जल्द ही कोई डिफेंस नहीं अपनाते तो मेंटिस उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं और उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ज्यादातर सांप खुद को बचाने के लिए मेंटिस के शरीर को खुद में लपेट लेते हैं, लेकिन यहां पर मेंटिस खुद को बचाने के लिए अपने कांटेदार टांगों का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ अपने दिमाग का भी, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि शिकार किसी और का नहीं सांपों का कर रहे हैं। और ऐसा ही वो लिजर्ड के साथ भी करते हैं। इनके शिकार करने की स्पीड के बारे में क्या ही कहना, ये शिकार पर पकड़ बनाने के लिए 0.05 सेकंड लगाते हैं। मेंटिस के पैरों में बने दांत शिकार पर चुभ जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि शिकार इसकी पकड़ से बच नहीं सकता। हालांकि वो इसकी मजबूत पकड़ से छूटने का असंभव प्रयास जरूर करता है, लेकिन मेंटिस ने एक बार ठान लिया तो ठान लिया, फिर उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनता। वैसे दोस्तों, मेंटिस का हरा रंग इसे पत्तियों में छिपने में मदद करता है। नंबर 6, अफ्रीकन बुल फ्रॉग। अफ्रीका में पाए जाने वाले ये बुल फ्रॉग अपने आप में अद्भुत और निराले और शक्तिशाली होते हैं, जिसे सांड मेढक भी कहा जाता है। ये मेढक की एक ऐसी मस्कुलर प्रजाति होती है जिसकी लंबाई 10 से 12 इंच और वजन 1.4 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है, लेकिन कई बार इनका वजन 3 से लेकर 3.4 किलोग्राम तक भी हो जाता है। अफ्रीकन बुल फ्रॉग बहुत ही जहरीले होते हैं, इतने जहरीले कि सांप भी इनसे डर जाए। अफ्रीकन बुल फ्रॉग व्यवहार में काफी आक्रामक और खतरनाक होते हैं। इनके खतरनाक व्यवहार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये भूखे होने पर जहरीले सांपों तक को भी अपना निवाला बना लेते हैं। वैसे भी अफ्रीकन बुल फ्रॉग अपने खाने में चूहों, मेंढकों, छोटे पक्षियों और विषैले सांपों को खाना पसंद करते हैं। वैसे दोस्तों, ये मीठे पानी के झील, नदियों और खाई में रहते हैं और ये हर मौसम में सर्वाइव करने में अनुकूल होते हैं, लेकिन इन्हें बारिश का मौसम बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये ज्यादातर समय के लिए मिट्टी के सतह के नीचे रहते हैं और केवल अनुकूल समय में जमीन की सतह पर बाहर निकलते हैं जो बारिश होती है। अब ये जहां पर भी रहते हैं वहां पर अपनी एक अलग टेरिटरी बना लेते हैं। ये अपनी जगह पर किसी भी जीव जंतु को आने नहीं देते और चेतावनी के रूप में जोरदार क्रॉकिंग और धमाकेदार आवाज निकालते हैं। लेकिन अफ्रीकन बुलफ्रॉग जहां पर रहते हैं वहां चौपाए जानवर जैसे कि गाय, बैल, हिरण, कुत्ता और अन्य चौपाए जानवर जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अफ्रीकन बुलफ्रॉग के काटने का डर लगा रहता है। नंबर 7, मैंगोस। नेवला की 33 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे महाद्वीपों पर मिलती हैं। नेवला 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। नेवला मांस खाने वाला प्राणी है। इनका प्रिय भोजन पक्षी, चूहा, मेंढक, अंडे होते हैं। सांप का शिकार भी ये करते हैं और ये उसको मारकर खा जाता है। ये अपनी फुर्ती से सांप को भी मात दे सकते हैं। सांप का जहर इस पर असर नहीं करता। यही कारण है कि नेवले को सांप का दुश्मन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी नेवला और सांप आमने सामने होते हैं तो इन दोनों जीवों में भीषण युद्ध छिड़ जाता है, जिसका अंत सांप के जख्मी होने या मर जाने के बाद ही होता है। नेवला सांप को बुरी तरह से घायल कर देता है, फिर उसे खा जाता है। अक्सर जिस जगह नेवला निवास करते हैं वहां पर सांप का आना मुश्किल होता है। नंबर 8, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन एक बेहद विचित्र और खतरनाक जीव है जो कि छिपकली का ही बड़ा रूप है। दोस्तों, सांप इस जीव से भी दूर रहना पसंद करते हैं।
कोमोडो ड्रैगन दिखने में बेहुदा और बदबूदार जीव है। ये प्रजाति डायनासोर के परिवार से ताल्लुक रखती है, इसीलिए ये डायनासोर के समय से ही चली आ रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली का नाम जहन में आता है तो कोमोडो ड्रैगन ही हमारी नजरों के सामने आता है, क्योंकि यही छिपकली विश्व में सबसे बड़ी छिपकली मानी जाती है, जो सांपों की ही नहीं ये इंसानों तक का शिकार कर सकती है। कोमोडो ड्रैगन का वजन 100 किलो या इससे भी ज्यादा हो सकता है और इसकी लंबाई 10 फीट से लेकर 15 फीट तक होती है। जिस तरह सांप अपनी केशली उतारते हैं, ठीक उसी तरह छिपकली का शरीर भी उसकी बाहरी त्वचा के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ता है। यही वजह है कि छिपकली समय समय पर अपनी त्वचा उतारती रहती है। कोमोडो ड्रैगन मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आने वाली छिपकली है और इसका जीवन काल लगभग 30 सालों का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छिपकली हिरण, भैंस, बारहसिंगा, इंसानों तक का शिकार कर सकती है, लेकिन अब ये जीव विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। दोस्तों, इसकी मोटी त्वचा, बड़े बड़े पंजे, पीले रंग की जीभ और जहरीली लार इन्हें और भी डरावना बनाती है। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के पास समुद्र में एक ऐसा द्वीप है जहां सिर्फ कोमोडो ड्रैगन ही रहते हैं और इस कारण इस द्वीप को कोमोडो द्वीप कहा जाता है। यहां पर रहने वाले कोमोडो ड्रैगन की संख्या हजारों में है। कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार को मारने के लिए शिकार को काटता है, उस शिकार के शरीर में जहर छोड़ देता है। इससे जहर में एक खतरनाक केमिकल होता है जो कि खून को जमने से रोकता है। जब कोमोडो ड्रैगन काटता है तो इस जहर के कारण खून लगातार बहता ही रहता है। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से सबसे भयंकर सांप का शिकारी कौन सा जानवर लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।